शादी 7 जन्मों का बंधन होता है। विवाह के बाद इस बंधन में दो परिवार बंध जाते हैं और कई नए रिश्ते बनते हैं जिसका निर्वाहन दोनों पक्षों को करना होता है। ऐसा ही एक रिश्ता होता है सास और बहू का, जिस पर कई किस्से, कहानी और सीरियल बने हैं। यह रिश्ता बेहद अहम होता है और इसे हर बहू संभाल कर रखना चाहती है, लेकिन विवाह के बाद कुछ गलतियां इस रिश्ते के बीच अनबन पैदा कर सकती हैं। लेकिन कम ही लोग जानते होंगे कि इसके लिए आषाढ़ का महीना भी एक वजह हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र से जुड़े मुहूर्त मात्रण के विवाह प्रकरण में इस बात का उल्लेख है कि नवविवाहिता को शादी के बाद पड़ने वाले पहले आषाढ़ मास में अपने ससुराल से दूर होना चाहिए, यानी नवविवाहिता को इस इलाके में ही रहना चाहिए। लक्ष्मी नारायण प्रीतये ब्रह्म विवाह विघ्नः, तो यहाँ पर वर और वधु लक्ष्मी और नारायण के प्रतीक हो जाते हैं। वर जो होता है नारायण का प्रतीक हो जाती है और नारायण का प्रतीक हो जाता है, और वधु जो होती है वह लक्ष्मी का प्रतीक हो जाता है। तो लक्ष्मी नारायण प्रीतये ब्रह्म विवाह विधना, या ब्रह्म विवाह होता है। तो लेकिन कुछ ऐसे मास होते हैं जिन मास में इन लक्ष्मी नारायण का मिलन कुछ स्थानों पर नहीं होना चाहिए। विशेष करके अगर प्रथम आषाढ़ मास है और नव दंपत्ति का विवाह हुआ है, तो उनको जो है अपने ससुराल में कन्या को नहीं रहना चाहिए। इससे उनके सास के बीच में कुछ खटास पैदा हो सकती है, कुछ ऐसी विचारधाराएं पैदा हो सकती हैं जिनसे दो लोगों की विचारधाराओं में मेल न खाएं, लोग एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना रखें, हो सकता है शारीरिक या मानसिक टकराव की संभावना उत्पन्न हो। तो कुछ ऐसे मास भी हमारे वैदिक सभ्यता में, संस्कृति में कहे गए हैं, तो जिनका वर्णन जो है मुहूर्त मारतंड में, जैसे ज्योतिष के ग्रंथ में विवाह प्रकरण में जो है ऐसा वर्णन आया है। अगर श्लोक को देखेंगे तो श्लोक में ऐसा मिलेगा।